दरख्त से तोड़ के शहतूत, चेरी, सेब, खुबानी खाने का जो मजा है वो खरीद के खाने में कहा। वो राका पोशी पीक नजर आ रही है सामने। कुदरती तौर पे अल्लाह मियां ने एक इतना बड़ा ये ग्राउंड दिया हुआ है। यहाँ पे ये ग्यालिंग है, इसके अलावा ये एक गोरकोन है, ये चप शोरो है। भाई ये पूरी लंबी ट्रैकिंग करके हम पहुँचे हैं, समझे कि एक तरह से एज के ऊपर पहुँच गए हम। स्पेशल बारबेक्यू, क्या बात है भाई, क्या बात है। फोर्ड फायर की वजह से जो है ना ज़रा सुकून मिल गया यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और मैं मौजूद हूँ नगर मिनपिन की खूबसूरत वादी में। और भाई हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं हार्ड रॉक होटल में, और ये होटल जो है ना वो मेरी पसंदीदा जगह है क्योंकि बिल्कुल नेचर के दरमियान घिरा हुआ है ये। एक तरफ दरिया बह रहा है, दरख्त है, पहाड़ है, पीछे दीरान पीक नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। आज हम जाएंगे पीसान, जहाँ पे एक नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। इसके अलावा हमारे होटल के अतराफ में ही काफ़ी नेचर है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाना पीना खाएँगे और ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। अरे अरे अस्सलामुअलैकुम शेरबाज भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। भाई दो साल पहले भी मैं इधर ही आया था और जो है ना वो शेरबाज भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह इनके साथ चेरी के बागात हमने देखे थे। आज भी चेरी के बाग में जाएंगे कि नहीं? इंशाल्लाह अभी तैयार नहीं है, फिर भी अभी तैयार नहीं, चलो कुछ और कर लेंगे इंशाल्लाह। और आप खैरियत से? जबरदस्त भाई, आपके लिए। अरे यार इसकी क्या जरूरत थी भाई, जज़ाकअल्लाह। आप लोग रकापुशी सुना के रकापुशी बेस के हम जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। ये जो जगह है ना, यहाँ पे दो दरिया आपस में मिल रहे हैं। ये दरिया आ रहा है दीरान पीक से और ये वाला दरिया जो है, ये जो हमारा होटल है ये बिल्कुल इन दोनों दरियाओं के संगम पे जो है ना ये बना हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। यहाँ से अभी हमारा डाइनिंग रूम है, यहाँ पे हम बैठेंगे, नाश्ता करेंगे। हाँ भाई, अब हम निकल रहे हैं वही पिसान के लिए, पिसान क्रिकेट ग्राउंड में ले जा रहे हैं हमको। क्या नाम है भाई आपका? रिजवान। रिजवान भाई के साथ जा रहे हैं हम। तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं, हर मोड़ पे जो है ना वो झरने बह रहे हैं। खूबसूरत माहौल है और काफ़ी स्टीप ट्रैक है ये, लोग पैदल भी जाते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग करके, लेकिन हमने कहा कि भाई जीप कर लें, डेढ़ घंटे का तकरीबन ट्रैक है ये, तो मज़ेदार सीन है। वो उधर हमारा होटल है भाई, वो राका पोशी पीक नज़र आ रही है सामने, बादलों में छुपी हुई, वहाँ से बर्फ़ पिघल पिघल के आ रही है, दरिया बना रही है, क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक है? पैदल जा रहे हैं भाई? पैदल भी ट्रैक करके जाते लोग इतना ऊपर, यार माशाल्लाह हिम्मत है। ये देखिए राका पोशी नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम पिसान नगर, पहुंच गए भाई हम अपनी डेस्टिनेशन पे। और काफ़ी ऊंचा पहाड़ के समझे टॉप के ऊपर इस वक्त हम आए हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये, जीप के लिए भी 4x4 लगा के ही आना पड़ा है। और यहाँ पे जो नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम है इसके ऊपर मैचेस भी होते हैं भाई, यहाँ पे टीम्स वगैरह भी आती हैं और मैच होते हैं, देखते हैं चल के। ये राका पोशी है सामने, नीचे से ये ग्लेशियर है। अच्छा, ये सब ग्लेशियर पिघलता है ऊपर से? ये नीचे नीचे से आता है पानी? हाँ, ये नीचे नीचे से पिघल तो आगे जो है ना दरिया बन जाता। सुभान अल्लाह यार, ये जो ग्लेशियर हमारे होटल के पास हम देख रहे थे दरिया, तो पानी यहाँ से बहता हुआ आ रहा है इसके भी ऊपर से, और यहाँ ग्लेशियर के नीचे जो है ना वो बर्फ है, धूप डायरेक्ट नहीं लगती, मट्टी उसके ऊपर आ जाती है, बर्फ नीचे होती है, पानी पिघलता जाता है और नीचे जाता जाता है, इस तरह से दरिया बनते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पे आके जो है ना वो आपके ज़बान जो है वो गुंग हो जाती है, ऐसी जगहों पे आके स्पीचलेस हो जाता हूँ मैं तो भाई, कि ये कहाँ पहुँच गए हम। 8800 फीट की बुलंदी पे इस वक्त हम मौजूद हैं। उस बोर्ड के बाद भी आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है क्योंकि उसके बाद जीप का ट्रैक ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर कम होता है, सांस भी फूलना शुरू हो जाती है।
सामने राकापोशी बादलों में छुपा हुआ। ये देखें भाई, सामने आपको नजर आ रहा है, हमारे पीछे आ गया है क्रिकेट ग्राउंड और लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल भी रहे हैं। ऐसी जबरदस्त यहाँ की वाइब है, देव हैकल लार्जर देन लाइफ, जो कुछ भी मैं अल्फाज ढूंढूँ ना वो कम है इस मोमेंट के लिए। कुदरती तौर पे अल्लाह मियां ने एक इतना बड़ा एक ग्राउंड दिया हुआ है। कैंपिंग का भी अरेंजमेंट है, यहाँ लोग आते हैं, कैंप स्टे करते हैं रात में, और रात को जब खासतौर पर चौदहवीं के जब चांद होता है ना, उस वक्त ये ग्लो कर रहा होता है, ग्लो कर रहा होगा, और उसकी जो रोशनी आती होगी से जैसा लगता है जैसे आपने शेड्स लगे हैं। अभी मुझे जो है ना, अभी मेरे अल्फाज जो है ना, मेरे जबान में अल्फाज जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहे इस जगह पे आके। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की ये कुदरत है, और अल्लाह मियां ने कहा है कि भाई ज़मीन में चलो फिरो, घूमो फिरो और हमारी कुदरत की निशानियां देखो। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, और अल्लाह हमें ये दिखा रहा है, हमें अल्लाह ने ये मौका नसीब फरमाया कि हम ये देख सकें, ये भी अल्लाह का हमारे ऊपर खास करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई राकापोशी के दामन में क्रिकेट स्टेडियम हो और हम क्रिकेट ना खेले, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये क्रिकेट स्टेडियम जो है ना, मैंने पहले भी देखा था वीडियोस के अंदर, और मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली मैं शेरवाज भाई से भी कहा था कि यार क्या करेंगे जाके, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे मैं आया हूँ ना तो मेरा ये आना वसूल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आके जो फीलिंग होती है, जो माहौल होता है, वो आप जो है ना वो वीडियोज़ के अंदर वो आप महसूस नहीं कर सकते। ये इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। तो भाई अल्टीमेट पहुंच गए जी वापस हम अपने होटल, और यहाँ पे अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। क्या चीज़ बन रही है खाने में भाई? ये लोकन बन रही है, ये सूप बन रहा है लोकन। थोड़ा रेस्ट कर लें भाई रूम में, और हमारा रूम जो है वो ये है, यहाँ से आप ये चेक कीजिए, यहाँ से व्यू जो आता है ना, सारे पैसे इसके हैं ये। इसको कहते हैं द रूम विद द व्यू। हाउ शिमा, डोसा की तरह पहलाते हैं इसको। डोसा खाया आपने? नहीं। आप कराची आइएगा, हम आपको डोसा खिलाएंगे, ठीक है? ये होता है गियालिंग, इसी तरह डोसे को भी फैला के बनाया जाता है, लेकिन डोसा जो है बड़ा क्रिस्पी होता है, ये बड़ा नरम मुलायम होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। वाह भाई वाह, ओहो डोडो भी बन गया है जी सर। वाह भाई वाह, मतल दिल मतल जबरदस्त। ओहो हो भाई, डोडो आ गया है, ओ गोरकुन गोरकुन आ गया ये, और ये हमारे ये चप शुरू भी है भाई, दाल चावल चप शुरू, ये आ गया डल्डो भाई। बहुत ज़बरदस्त सा लंच आ गया है हमारा, इस वक्त भूख भी लग रही है, राकापोशी से भी हम सीधे सीधे आए हैं और खाना तैयार है। सबसे पहले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं सूप के साथ। भाई कराची में हो रही है बड़ी ज़बरदस्त सी गर्मी, और यहाँ पे हो रहा है 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर, और ऐसे ही मौसम में यहाँ पे इस इलाकों में आने का जो मज़ा है ना, और अगर आपको ये मिल जाए गर्म गर्म सूप यहाँ का लोकल, तो फिर बात ही क्या है। बिस्मिल्लाह भाई, वाह मज़ा आ गया। चिकन भी है इसमें, नूडल्स भी हैं, लोकल इनकी रेसिपी होती है ये, मेरे हिसाब से काफ़ी बैलेंस स्पाइसेस हैं, कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं। ये भाई गैलिंग, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये एप्रिकॉट ऑयल, ये चीज़ इसको आप इस तरह से डालते हैं, और रोटी की तरह आप इसको तोड़ें, और ये चीज़ बड़ी हेल्दी डिशेस होती हैं भाई यहाँ की, और असल मज़ा इसी में है कि जब आप जिस जगह पे आए इस इलाके में वहाँ की लोकल डिशेस ट्राई करें, तो फिर आप पूरा एक्सपीरियंस जो है ना वो आप लेते हैं। मज़ेदार। ये है भाई चप शोरो, काफ़ी फेमस डिश है ये यहाँ की, और अब तो कराची में भी काफ़ी जगह पर मिलने लगी है, क्योंकि ये देखें ये रोटी होती है सादी, और इसके अंदर कीमा भर के इसको बनाया जाता है, बड़े
अलग तरीके से चिकन भी डालते हैं, इस पर मीट भी डालते हैं, याक मीट भी डालते हैं, चीज़ के साथ भी बनता है, डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग्स होती हैं। और इसको आप थोड़ा सा केचप में इस तरह डिप करें और स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। मज़ा आ गया, खीमे वाला पराठा होता है ना, उस टाइप का टच है ये। ये है भाई गोरकोन, और ये पत्थर के बर्तन के अंदर इसको बनाया जाता है। यहाँ की ये ट्रेडिशनल डिश है, चिकन मटन बीफ किसी भी चीज़ के साथ ये बनता है। और इसको बनाने का जो तरीका है ना इस पत्थर के अंदर, वो इस वजह से क्योंकि ये सर्द इलाका है और पुराने ज़माने में हीटर वगैरह होते नहीं थे, तो इस पत्थर के बर्तनों के अंदर ये डिशेस बनाई जाती थी ताकि वो देर तक खाना गर्म रह सके। और अभी भी आप देखें कि काफ़ी देर हो गई है लेकिन अभी भी भाप उठ रही है इसके अंदर से। टेस्ट करते हैं भाई, जिस तरह चिकन कढ़ाई होती है या चिकन करी होती है या मटन करी वगैरह, उसी टाइप का इसका टेस्ट है। लेकिन पत्थर के बर्तन में बनने की वजह से ना एक इसका डिफरेंट खुशबू, डिफरेंट टेक्सचर बन जाता है। जिस तरह मिट्टी के हांडी में आप कुछ बनाएं या लकड़ी पे कुछ बनाएं तो उसकी जो खुशबू टेक्सचर अड़ती एक फील से आ जाती है ना उसके अंदर, उस तरह का ये इसके अंदर भी टेस्ट आता है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। वेरी नाइस। और यहाँ पर हमारे ये ट्रेडिशनल दाल चावल भी मौजूद हैं। कल रात में हम यहाँ पर आए थे तो हमें मिली थी बहुत ही ज़बरदस्ती बिरयानी, जो कि यहाँ के जो शेफ़ हैं ना वो कराची से आए हुए हैं और चौधरी मतीन पे उन्होंने काम किया है। बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त थी, जैसी बाज़ार की बाहर वाली बिरयानी होती है ना कराची की, वो हमने टेस्ट की। दाल चावल भी हैं और लोकल खाने भी हैं, और ये सारे खाने बने हैं यहीं हार्ड रॉक होटल के किचन के अंदर, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो आपको चाहे अपने शहर के खाने खाने हों, लाहौर के, कराची के, कहीं के भी, या आपको यहाँ के गिलगित के खाने खाने हों, आप सब यहाँ पर ईज़िली खा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार है। शाम हो चुकी है भाई, थोड़ा रेस्ट किया हमने और अब हम जा रहे हैं चेरी और शहतूत के बाद मेनापिन वैली। मेनापिन वैली के अंदर निकलेंगे, ज़रा घूमे फिरेंगे। मेन चीज़ क्या होती है कि आप जो है ना होटल में आए तो वो जो कमर्शियल चीज़ें होती है ना, ज़रूरी नहीं है आप वो करें, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन आप होटल से निकलें और इधर उधर गाँव में घूमने निकल जाएँ वैली के अंदर, तो वो जो एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से तो वही होता है असल। तो फिर चलें चलें। शेरबाज भाई की सरबराही में हम जा रहे हैं चेरीज और शहतूत के बाग में। कुछ खाने को भी मिलेगा कुछ, शहतूत या चेरी? हाँ हाँ दोनों मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तैयार हो रहे हैं? हो रहे हैं तैयार। जी जी। हाँ भाई, सलाम अलैकुम नासिर भाई। ये भी बड़े शौक से आपकी वीडियो देखता हूं। अच्छा अच्छा, कैसे हैं नासिर भाई आप? क्या पहले साल भी बनाया था? अच्छा, हम देखा था। थैंक यू जी। बिल्कुल गांव के अंदर मौजूद हैं हम अभी जो है ना, लोकल जगह पे। पतली पतली पगडंडियों पे चलते हुए चलें। अभी पकी नहीं है पूरी, है ना? पूरी नहीं तैयार हुई है अभी यार, अभी इनको तोड़ना तो ज्यादती हो जाएगी। अभी कच्ची है। ये क्या है? ये क्या, ये क्या चीज़ है? सेब है। ओ सेब है ये, सेब भी छोटे छोटे लगे हुए हैं यार। अच्छा ये खुबानी है, खुबानियाँ भी छोटी छोटी लगी हुई है। ये खुबानियाँ भी खा भी सकते हैं? खा सकते हैं अभी। हाँ अभी खा सकते। तुर्श है थोड़ी, कहाँ कच्ची है ना अभी। हाँ ये शहतूत तैयार है भाई, थोड़ा थोड़ा ये खा सकते हैं हम। ये चीज़ ये देखें आप, ये आ गया हमारे पास शहतूत, और इसको जो हम खाएँगे बिस्मिल्ला करके, बिस्मिल्ला। वाह भाई मीठा है, मीठा है। दरख्त से तोड़ के शहतूत, चेरी, सेब, खुबानी, खाने का जो मज़ा है वो ख़रीद के खाने में कहाँ। अभी ये थोड़ी काली है चेरी यार। हाँ कुछ कुछ पक गई हैं, कुछ कुछ पक गई हैं। ये देखो, ये ट्राई करता हूँ। ये पक गई है, पक गई है। वाह जी वाह, मज़ेदार। ले लीजिएगा। जज़ाक अल्लाह। मकड़ियाँ भी पली हुई हैं यहाँ पे। या भाई जी, ये ले ले। अरे भाई ये तोड़ के लाए क्या यार, जज़ाक अल्लाह भाई, जज़ाक अल्लाह। फ्रेश फ्रेश चेरी,
चेरी के बाग में। भाई वाह, गुच्छे के गुच्छे माशाल्लाह लगे हुए हमारे लिए नीचे कर दिया भाइयों ने, हैं थैंक यू, वेलकम। यहाँ से ये आप ये देखिए भाई, वाह भाई वाह वाह। चेरीज खा के हम आ गए हैं, एक थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैकिंग है, वो आगे वहाँ तक हम जाएंगे और वहाँ से हमें एक ज़बरदस्त व्यू नज़र आएगा। और यहाँ से थोड़ा और आगे जाते हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ये देखिए भाई, ये वाटर रिजर्वायर है बहुत बड़ा, और यहाँ से ये पाइप्स हैं, पाइप्स के ज़रिए ये पूरा जो पानी है ना ये सप्लाई होता है, और ये जो ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है वो तो आ ही रहा है। कैसे शरीयत से ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है भाई, ये है लोकल लाइफ भाई। ये पूरी लंबी ट्रैकिंग करके हम पहुँचे हैं, समझे कि एक तरह से एज के ऊपर पहुँच गए हम, जहाँ से पानी निकल रहा है ना, यहाँ दीरान पीक से पानी आता है वो इस टैंक के अंदर रिजर्व होता है। ये टैंक बना हुआ इसलिए कि इससे बिजली बनती है, पाइपों के ज़रिए पानी जो है ना वो एक फ़्लो में रहता है, और वो टर्बाइन जो भी इनका प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूसली उस पर पानी आते रहना चाहिए। तो ये रिजर्वायर जो है इसका एक लेवल मेंटेन रखना ज़रूरी है, बाकी पानी जो है वो दरिया में निकल जाता है पाइपों के ज़रिए, लाइनों के ज़रिए जो है वो होटलों में घरों में जाता है। तो ये समझें बिजली के लिए ये एक तरह से पावर प्लांट बना हुआ है, और हम बिल्कुल एज के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। बाकी जो है ना वो इसके पीछे फिर पहाड़ियाँ वो लंबी ट्रैकिंग है, पहाड़ के पीछे चले जाएंगे अगर हम यूँ घूम के जाएंगे ना, तो अच्छी खासी लंबी ट्रैकिंग हो गई हमारी, लेकिन मज़ा आया। जा भाई, इधर से तीन पीक हमें नज़र आ रहे हैं, ये रकापोशी है, और ये वाला दीरान पीक है, और ये लास्ट वाला मीर शिकार। बिल्कुल इधर से नज़र आते हैं, रकापोशी, दीरान, मीर शिकार, तीन पीक हमें नज़र आ रही हैं, और सूरज डूब रहा है, और सूरज की जो गोल्डन गोल्डन शुआएँ रोशनी हैं वो बर्फ़ के ऊपर जो पड़ रही है। और इस वक्त ये जो मंज़र हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, ये मंज़र कैमरे के अंदर नहीं आ सकता बिल्कुल, ये मोमेंट कैमरे के अंदर कैप्चर उस तरह हो ही नहीं सकता जिस तरह यहाँ पर खड़े हो के इस वक्त देखने का जो, सुभान अल्लाह भाई, बार बार जो है ना बस आप को अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने का ही, कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा, आपको बस यही कहना है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। भाई ये पहाड़ों पे जाने का, पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने का, को देखने का भी ना ये एक क्रेज़ होता है, एक नशा होता है ये भी। और जो लोग ये चटाने सर करते हैं, सतपारा जैसे हमारे हीरोज़ और दूसरे जो यहाँ पे हाइकर्स आते हैं, वो क्रेज़ी लोग ही होते हैं भाई, क्योंकि कोई आम आदमी जो है ना वो ये कर नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ नीचे से देखने में हमको ये ऐसा इसकी फील हो रही है। तो जो लोग चढ़ते हैं ऊपर, सलाम है उनको भाई। आज रकापोशी को दाएं बाएं से हर तरफ से हमने जो है ना वो देख लिया है, टॉप से जाके जो क्रिकेट ग्राउंड था वहाँ से भी देख लिया, मुख्तलिफ़ लोकेशन से हमने देखा, और फाइनल डेस्टिनेशन है ये रकापोशी व्यू पॉइंट, जो आप देख रहे हैं अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, मगरिब तो हो चुकी है, यहाँ से ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है। यहाँ हम थोड़ी देर बैठेंगे, चाय पियेंगे, रिलैक्स करेंगे। भाई बारबेक्यू का सेटअप शुरू हो गया भाईजान, वाह जी वाह जी वाह, ओले ओले जलने शुरू हो गए भाई। ये लग गया है हमारा बारबेक्यू जबरदस्त सा, चिकन टिक्का, चिकन है भाईजान, आपने लगाया मसाला? जी सर। है चटपट आए कि नहीं? चटपटी है, क्या बात है भाई, क्या भाई, वाह भाई वाह, माहौल बनिया है भाई, इंशाल्लाह ये माहौल है ना, यहाँ पे बारबेक्यू बन रहा है और अभी यहाँ पे लगेगी ये आग, क्या बात है भाई, ये बॉनफायर के अंदर हम खाना खाएंगे बैठ के, जबरदस्त। चले जी, खाना हमारा आ गया है, और ये हमारी दाल है, यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी भी है, रोटी है, सैलेड, रायता, और ये स्पेशल बारबेक्यू, क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। और बारबेक्यू के बाद यहाँ पे बॉन फायर भी होगा, इसका भी हल्की हल्की आग लग गई है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, क्या ज़बरदस्त बारबेक्यू का माहौल बन गया है यहाँ पे। ओए होए होए, थोड़ी सी ये भिंडी भी ले लूँ भाई मैं,
पहले बगैर रोटी के ज़रा हम ये बारबेक्यू चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू है, गरम गरम और ठंडे ठंडे मौसम के अंदर ये गरम गरम बारबेक्यू खाने का जो मज़ा आ रहा है ना, अभी पीछे दरिया का शोर आ रहा है, मज़ेदार बारबेक्यू और दिन भर की थकन के बाद, घूमने फिरने के बाद ये मज़ेदार खाना आपको मिल जाए तो फिर सारी थकन दूर हो जाती है। और अभी यहाँ पे बॉन फायर के साथ जो चाय हम पियेंगे तो अल्टीमेट सीन हो जाएगा भाई। वाह भाई, खाना खा के जो कोल्ड ड्रिंक पिए ना उसके बाद ऐसी ज़बरदस्त सर्दी लग रही थी यहाँ बैठ के दरिया के पास, लेकिन हम थर गए थे मगर बॉन फायर की वजह से हम बस अभी रिलैक्स। बॉन फायर की वजह से जो है ना वो ज़रा सुकून मिल गया यहाँ पे। और अभी चाय की कमी है तो चाय की चाय की तलब है। जी तो ये था भाई हमारा एक दिन नगर वैली में, और उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बड़ा कंफर्टेबल हमारा स्टे रहा हार्ड रॉक होटल के अंदर। आप भी अपना ट्रैवल ट्रिप प्लान कर सकते हैं बीओपी ट्रैवल्स के साथ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप बीओपी ट्रैवल्स के साथ जाएँ या किसी और टूर ऑपरेटर के साथ जाएँ, चंद चीज़ों का ख्याल रखें कि जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, अगर आपके साथ बूढ़े हैं बच्चे हैं तो ट्रैवल टाइम कितना होगा, कहाँ कहाँ स्टे होगा, कौन से होटल्स होंगे, किस तरह के होंगे, क्या प्राइस होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें जो है वो आप लोग पहले से मालूम कर लें, क्योंकि सीज़न टू सीज़न सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें अपने टूर ऑपरेटर से मालूम कर लेना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।